हमारा टॉपिक है वो है रिग्रेशन। रिग्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल जितने भी हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एक तरह से कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों ही टेक्निक ऐसी हैं जिसमें हम दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं। और ये रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं। वैसे रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे जाना, ठीक है, या टू अवर, या हम कह सकते हैं इसको रिटर्न बैक। तो रिग्रेशन एक ऐसी टेक्निक हुई जिसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस करने के लिए वेरिएबल्स का हम क्या करते हैं कि जो भी डाटा हमारे पास है, जो भी वेरिएबल हमारे पास है, उन वेरिएबल को हम जो पीछे उनके ऊपर जो स्टडीज हुई हैं या जो भी स्टडी हम कर चुके हैं या जिस तरह का जो भी चेंजेस हुआ है उनको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम रिग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है और उस कंपनी का जो एनुअल इनकम जो हो रहा है या जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाने के लिए अब ये देखा जाएगा कि असल में कंपनी ने पिछले साल जो प्रोडक्शन हुआ था उस प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा किया, और उस खर्चे के आधार पर अगर हमें अब प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अब हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो ये जब तभी हम कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे कि हम इतना खर्चा करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन वो इतना होगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, इस प्रोसेस को ही हम रिग्रेशन कहते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या हुआ, एक तरह से अगर हमें रिजल्ट पर पहुंचना है, कंक्लूजन पर पहुंचना है, तो उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो पीछे उस डाटा को लेते हुए या उस वेरिएबल को लेते हुए जो भी चेंजेस आए हैं या जो भी हमने कार्य किए हैं उनको हम अच्छे से स्टडी करें, उनका एनालिसिस करें और उसके आधार पर हम अपना रिजल्ट दें, अपना कंक्लूजन दें। वैसे अगर हम बात थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की करें तो सबसे पहले सर गाल्टन महोदय जो थे, फ्रांसिस गाल्टन महोदय जो कि एक ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन थे, जिन्होंने 1887 ईस्वी में एक रिसर्च की जिसको उन्होंने स्टडी ऑफ हेरिडिटी कहा, तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि असल में जो लंबी हाइट के जो पिता होते हैं या लंबी हाइट के जो भी फादर हैं उनका उनके जो संतानें होंगी, जो उनके बच्चे होंगे वो भी लंबी हाइट के होंगे, और जो छोटी हाइट के हैं, नाटे कद के हैं, तो उनके बच्चे भी नाटे कद के होंगे। तो इस स्टडी के आधार पर उन्होंने कहा कि मैं जो एक तरह से उन्होंने कहा कि रिग्रेशन जो है एक तरह से एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करते हैं और फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन कैसी टेक्निक हुई जिसमें हमें प्रेजेंट की पास से कंपेरिजन करेंगे और साथ में हम फ्यूचर को आपको बता देंगे कि आपका असली फ्यूचर ये है। ठीक है, तो रिग्रेशन एक ऐसी टेक्निक रही। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिग्रेशन में जो एनालिसिस है उसकी एप्लीकेशन भी बहुत सारी है, अलग अलग जगह हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग तरह की एप्लीकेशन उसकी निकल के आती है। और मैन अगर हम डिस्कस कर ले यहाँ पर, तो जो इसकी मैन एप्लीकेशंस हैं वो मुख्य रूप से चार या पांच आपकी मुख्य एप्लीकेशंस इसकी आप देख सकते हो। ज़्यादातर जो इसका जो प्रयोग है हम कह सकते हैं कि ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप तो है ही है साथ के साथ, साथ हम दूसरा कह सकते हैं कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप ही है जिसमें हम कार्य को देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा एक चीज़ और कह सकते हैं जिसमें जो दूसरी इसकी मेन चीज़ रहेगी हमारी, उसमें कि जो कंप्यूटेशन के लिए जो ये टेक्निक है ये बहुत बड़ी अच्छी टेक्निक है जिसमें हम कंप्यूटेशन कर सकते हैं चीज़ों का, और कंप्यूटर भी जिसमें दिखते देता है जिसकी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए उसको रिग्रेशन अच्छे से कर सकता है। दूसरा, और हम इसमें कह सकते हैं कि जो आपका रिग्रेशन एनालिसिस है असल में है क्या, उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो उनको उनके आधार उन पर आधारित होते हैं, और साथ के साथ जो प्लानर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और बिजनेस मैन हैं या रिसर्चर हैं, इनका यूज करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो कंक्लूजन है उसकी तरफ वो बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे जो पहली एप्लीकेशन है इसकी, उसमें हम कह सकते हैं कि जो रिग्रेशन एनालिसिस है
वो एक फंक्शनल रिलेशनशिप प्रकट करता है दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में। और जब ये फंक्शनल रिलेशनशिप तैयार हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ये एक बार फॉर्मुलेट हो जाती है, तो इसके बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग तरह के जो एडवांस एनालिटिकल जो प्रोपोजीज हैं उनके लिए, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटेशनल जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जिसमें कुछ मल्टीपल और नॉन लीनियर जो रिलेशंस जो होते हैं वेरिएबल्स के बीच में, उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको आसानी से जो जिनको कंप्यूटर और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेज हैं वो नहीं कर पाती, उसको रिग्रेशन एनालिसिस के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, दिस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रेडिक्शंस ऑफ सेल्स प्राइजेस प्रॉफिट्स इन्वेस्टमेंट्स पॉपुलेशंस एक्सेट्रा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रेडिक्शंस कर सकते हैं हम सेल्स की, जो हमारे प्राइजेस हैं प्रॉफिट्स हैं इन्वेस्टमेंट्स हैं पॉपुलेशंस हैं, और इसका जो फ़ायदा सबसे ज़्यादा रहेगा वो हमारा जो प्लानर्स हैं हमारे, उनको इसका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको इनका सबसे ज़्यादा यूज इसका कर पाएंगे, वो इंपॉर्टेंस रहेगी, और बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंस रहेगी, जो रिसर्चर है वो भी इसकी इंपॉर्टेंस लेते हुए, क्योंकि हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज की, किसी प्रकार की जो वैल्यू है उसकी हमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो एक बड़ा ही अच्छी टेक्निक रही जिसमें हम प्रेडिक्शन के आधार पिवोटिकल जो एनालिसिस जो हम किसी भी वैल्यू का इसमें कर सकते हैं। दूसरा, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो दिखाना होता है उसको भी हम इस टेक्निक के द्वारा आसानी से दिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो हमारी डिमांड कर्व्स हैं या सप्लाई कर्व्स हैं, या आपके प्रोडक्शन फंक्शन जितने होते हैं या कॉस्ट फंक्शन जो हैं या कंजप्शन जो फंक्शंस हैं, उनका अगर हमें देखें तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसी टेक्निक को हम उसमें ज़्यादातर यूज करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन से थी। तो इस टेक्निक्स में हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन से कहीं ज़्यादा हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। दूसरा, आगे हम इसमें बात करते हैं कि इस टेक्निक के बाद इस टेक्निक के जो मेथड हैं वो कौन कौन से मेथड्स हम इसमें, या जो टेक्निक इसमें अलग से जो यूज की जाती है वो हम कौन कौन सी इसमें कर सकते हैं। तो एक तरह से किसी भी जो हमारा जो मैथमेटिकल जो फार्मूला होता है, स्टैटिस्टिकल जो फार्मूला होता है, उसको दिखाने के लिए हम दो तरह से उस फार्मूले को दिखाते हैं हमेशा। एक आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है उसकी, और दूसरी उसकी होती है जैविक जो प्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन होती है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में इसके भी दो ही पार्ट हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस जो मेथड्स हैं, एक आपका ग्राफिक, एक आपका क्या हो रहा है इसका ग्राफिक, और दूसरा आपका उस है जो हम कह सकते हैं मैथमेटिक। एक आपका ग्राफिक और एक मैथमेटिकल। अब मैथमेटिकल में हम बात करें तो मैथमेटिकल को आप अल्जेब्रिक भी बोल सकते हो, मैथमेटिकल को आप क्या बोल सकते हो, अल्जेब्रिक भी बोल सकते हो, और जो आपका ग्राफिक है उसको हम विद हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइंस हम कह सकते हैं कि जो ग्राफिक होता है हम इसको वो दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइन। और ये जो हमारा है इसको हम दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ या थ्रू रिग्रेशन इक्वेशन, इसको हम दिखा सकते हैं, इसको हम दिखाते हैं थ्रू रिग्रेशन इक्वेशंस, थ्रू रिग्रेशन इक्वेशंस। तो हमने क्या किया, जो अलजेब्रिक यानी कि मैथमेटिकल जो आपकी टाइप्स थी उसमें हम क्या कर रहे हैं, थ्रू रिग्रेशन इक्वेशंस से हम उसको दिखा रहे हैं, और जो आपकी ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशंस थी उसको हम दिखा रहे हैं थ्रू रिग्रेशन लाइन। ठीक है, तो ये आपका इसमें रहेगा। इसके बाद हम आगे बात करें तो जो रिग्रेशन आपका थ्रू रिग्रेशन लाइन जो है आपका ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपकी दो तरह की चीजें आपकी बनती हैं। पहला आपका रहेगा इसमें है स्कैटर डायग्राम, और जो दूसरा आपका हम बात करें तो इसमें कह सकते हैं थ्री डी
डायग्राम कह सकते हैं, थ्री डायमेंशनल जिसको आप बोलते हो, थ्री डायमेंशनल डायग्राम, ठीक है। तो ये दो डायग्राम इसमें आपके बनेंगे। और दूसरे वाले की बात हम करें, अल्जेब्रिक जो आपका है थ्रू रिग्रेशन इक्वेशन, तो इसमें एक आपका होता है नॉर्मल इक्वेशन थ्रू नॉर्मल इक्वेशन, और दूसरा आपका होता है थ्रू रिग्रेशन कोफिशियंट। इसमें आपका रहे, इसमें भी आपके दो होते हैं, कौन कौन से, थ्रू नॉर्मल इक्वेशन और ये आपका रहेगा थ्रू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये दो आपकी इसमें चीजें रहेंगी, ठीक है। इसके बाद जो आपकी थ्रू रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है उसको हम दो तरह से, दो मेथड उसमें यूज करते हैं। इसमें आपका पहला मेथड रहेगा, पहला इसमें जो मेथड है आपका वो रहेगा बाय डायरेक्ट मेथड, और दूसरा आपका रहेगा शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या आपका बाय डायरेक्ट मेथड, और ये आपका क्या है बाय शॉर्टकट मेथड। जो आपका बाय डायरेक्ट मेथड जो है, बाय डायरेक्ट मेथड में दो आप टेक्निक्स यूज करते हो, पहली होती है विदाउट स्टेप डेविएशन और दूसरी होती है विद स्टेप डेविएशन। इसमें आपकी क्या है दो टेक्निक रहेगी, विदाउट स्टेप डेविएशन और दूसरी रहेगी विद स्टेप डेविएशन। तो ये दो टेक्निक आप किसमें रहेंगी, ये आपके मेथड थे जिसमें आप बता सकते हो कि किस तरह से जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन दो तरह से आप निकालते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम लोग हेल्प ऑफ अलजेब्रिक्स और फार्मूलाज हैं उनकी मदद से हम इसमें मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन देते हैं। ग्राफिक प्रेजेंटेशन के अंदर आप विद हेल्प ऑफ जो रिग्रेशन लाइंस है या थ्रू रिग्रेशन लाइंस हम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें दो तरह के डायग्राम आपके बनते हैं, पहला स्कैटर डायग्राम, दूसरा आपका थ्री डायमेंशनल डायग्राम। और जो आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम विद हेल्प ऑफ अलजेब्रिक के जो फार्मूलाज हम करते हैं, तो इसको हम करते हैं थ्रू रिग्रेशन इक्वेशंस। तो थ्रू रिग्रेशन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम दो तरह की इक्वेशन यहां पर यूज कर लेते हैं, एक तो नॉर्मल इक्वेशंस आपकी होती हैं, दूसरी आपकी होती हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट को यूज करते हुए। रिग्रेशन कोएफिशिएंट को जब हम यूज करते हैं तो उसमें आपकी दो तरह के मेथड्स आप यूज करके चलते हो, डायरेक्ट मेथड और आपका शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप दो तरह जैसे इसको यूज कर सकते हो, विदाउट स्टेप डेविएशन मेथड और दूसरा विद स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये आपके मेथड थे जो रिग्रेशन के आपने मेथड करने हैं। तो इसमें हम आगे अब करते हैं इसका एक सम, जिसमें आप देखेंगे कि जो रिग्रेशन है कैसे आपको निकालना है। तो सम के लिए जो यहाँ पर जो मैं टेबल यूज कर रहा हूँ उसमें आपकी कुछ सेल्स हैं, कुछ प्रोडक्शंस हैं, और जिसमें आप विद हेल्प ऑफ अलजेब्रिक जो फार्मूलाज हैं उनसे हम इसको करेंगे भी। लीनियर का हम एक दूसरे चैप्टर में करते हुए चलेंगे कि जो आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है यहाँ पर हम इसका अलजेब्रिक जो फार्मूलाज हैं उनकी मदद से यानी मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन यहाँ पर इसकी दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सम दिया हुआ है उसमें दिया हुआ था फॉलोइंग टेबल शोज द एनुअल सैलरी इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, वाई एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस एक्स ऑफ 12 टेक्नीशियंस एम्प्लॉयड एट वेरियस फर्म्स। यहाँ पर इन्होंने जो वैल्यू दी हुई है ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड सैलरीज इन थाउजेंड्स, तो इस सब के अंदर हमने देखा कि x और y दो वेरिएबल है जिसमें आपको x का y पर और y का x पर रिग्रेशन दिखाना है। तो जब आप इसमें x का y पर और y का x पर रिग्रेशन दिखाएंगे तो दो इक्वेशन आपके सामने बढ़ के आएंगे, और दो इक्वेशन के आधार पर आप
एक्स का वाई पर और वाई का एक्स पर रिग्रेशन दिखाएंगे। तो जब हम वाई का एक्स पर रिग्रेशन दिखाते हैं, वाई ऑन एक्स रिग्रेशन हम दिखाते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी कि जो h वैल्यू आपकी साइड में आ जाएगी। दूसरा, जब हम x का y पर दिखाएंगे x ऑन y, तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो बड़ी सिंपल सी दो इक्वेशन आपकी है इसमें जिसको आपने देखना है। इसके बाद जो नॉर्मल इक्वेशन जो हमारी रहेंगी, नॉर्मल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें जब हम x का y पर और y का x पर करते हैं, तो उसमें जो इक्वेशन हमारी बनती है, तो समीशन नॉर्मल इक्वेशन के लिए समीशन y इज इक्वल टू एम ए प्लस बी समीशन x। और आप x का करते हो y के ऊपर, तो बिल्कुल सिंपल था इसमें भी आपका समीशन x इज इक्वल टू एम ए प्लस बी समीशन y, ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनेगा। अब नॉर्मल इक्वेशन में ही जब हम इसको स्क्वेयरिंग में लेके चलते हैं, तो तब हमारा क्या बनता है, y का x पर समीशन वाई एक्स लिखें या एक्स वाई लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक्स वाई लिख सकते हो आप और वाई एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम ही आपकी यहाँ पर रहेगी। तो इसमें आप लिख सकते हो समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका रहेगा। अब एक्स का वाई पर जब हम देखेंगे, तो इसमें रहेगा समीशन वाई एक्स, बात तो वही है एक्स वाई सेम ही आपकी दोनों, ये दो में यहां पर आपका लाइन बना रहा हूं इसका, जिससे आपको ध्यान रहेगा। समीशन वाई एक्स इज इक्वल टू ए समीशन ए समीशन y प्लस बी समीशन y स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन रहेगी, आपको इन इक्वेशन के आधार पर जो रिग्रेशन है आपकी फाइंड आउट करनी है। तो पहले वाली जो दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन की मदद से हमें जो आपका x y जो है या a और जो b है उनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इसमें हम y का x पर देखते हैं, तो इन दो इक्वेशन का हम यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है। और जब x का y पर देखते हैं, तो इन दो इक्वेशन का हम यूज करते हुए पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन यही है। आपने जो एक जो बेसिक इक्वेशन आपकी जो होती है, उन इक्वेशंस को यूज ना करते हो, नॉर्मल इक्वेशन को आप यहाँ पर यूज करते हुए चलते हैं। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं इसमें बस वैल्यूज आपको डाल रहा हूं। तो पहली इक्वेशन जो हमारी बनेगी y का x पर y on x, तो हम यहां पर डाल रहे हैं समीशन y। समीशन y मींस यहां पर देखिए समीशन y, ठीक है। तो समीशन y हमारा ये रहेगा, आपको जो सम मिलेंगे ना वेरिएबल, ये दो वेरिएबल आपको मिले x एंड y, ठीक है। ये आपको नहीं मिल रहे, ये आपको निकालने होते हैं। इसमें आप क्या क्या वैल्यू आपको जरूरत पड़ती है, एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो एक्स का स्क्वायर किया, 12 की मल्टीप्लाई की, 16 की मल्टीप्लाई की, तो सही ऐसे ही स्क्वायर करते हुए आपने टोटल दिखा दिया। ऐसे ही आपने वाई का स्क्वायर किया, तो वाई की ऐसे ही करते हुए इसका टोटल दिखा दिया। फिर आपने एक्स और वाई की मल्टीप्लाई की, तो आपका ये टोटल आ गया। तो आप यहाँ पर वैल्यू आपको रखनी है। तो समीशन वाई जो आपका है, समीशन वाई आपका है 356 इज इक्वल टू एन आपका क्या है। अब एन नंबर देख लीजिए, कितने नंबर आपके बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आपके बनते हैं, 12 आपके नंबर है एन नंबर। और आपका ए क्या है वो हमने ज्ञात ही करना है, ये कितना है प्लस बी, बी आपको निकालना है। समीशन एक्स क्या है, समीशन एक्स आपका 176 176 है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, दूसरी इक्वेशन भी ऐसे ही आपको करनी है, बिल्कुल सेम उसमें। तो मैं भी फिलहाल आपको जो दिखा रहा हूं यहां पर
वाई वन एक्स दिखा रहा हूं, तो इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। अब दूसरी इक्वेशन हमारी समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई क्या आपका 56 29। आपका फिर क्या आएगा, ए समीशन एक्स आपका ए वैल्यू आपको निकालना ही है, समीशन एक्स आपका क्या है 176 प्लस बी समीशन एक्स स्क्वेयर। बी समीशन एक्स स्क्वेयर क्या है, समीशन एक्स स्क्वेयर है 31 62। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। अब आपका दो इक्वेशन आपकी बन के आ गए, दोनों इक्वेशन में आप क्या करेंगे, एक वैल्यू को क्रॉस करते हो हमेशा, बी या आप ए को क्रॉस कर सकते हो, तो इसमें आप ए को ही कर लो, आपका बी का मान आ जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 176 से, क्योंकि इसके सामने 176 है, और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 12 से। ठीक है, तो दो वैल्यू से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो दोनों इक्वेशन एक तरह से इक्वल हो जाएंगे, एक वैल्यू इनकी। तो 356 को 176 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी जो वैल्यू आती है वो है 62656। और 12 को जब आप 176 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी वैल्यू बनती है 21 12। और 176 को 176 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी वैल्यू आती है 30 976। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई, ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, तीसरी इक्वेशन। आप यहां पर भी लिख सकते हो तीसरी इक्वेशन आपकी, तीसरी इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है, अब आपका दूसरा वैल्यू है जिसमें आपने क्या किया है, 56 29 को 12 से मल्टीप्लाई किया है। जब 56 29 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका बनता है 67 548। और 176 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो 21 12 ही बनेगा। और 31 62 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी जो वैल्यू आती है वो है 37 944। ये इक्वेशन आपकी फोर हो गई। अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एक दूसरे, जैसे ही करोगे तो नीचे वाले सिंबल जो आपके चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू आपकी क्रॉस हो गई। आपके पास जो वैल्यू बन के आई है वो आपके पास क्या बन के आई, अब 62 656 में से 67 548 आपको माइनस करना है, तो माइनस के ही आएंगे। दूसरा 30 976 में से आपको 37 944 माइनस करना है, तो ये भी आपका माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो क्या क्या आ गया वैल्यू आपके पास, पहली वैल्यू 4892 आ गया। और दूसरा हमारा जो वैल्यू देख रहे हैं उसमें हमारी जो वैल्यू आ रही है माइनस की, क्या आ रहा आपका, बी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 8 और 13 में से 7 6 6968 6968 ये आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, 69 68। अब माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा आपका और आपके पास वैल्यू बच जाएगी बी इज इक्वल टू 69 68 डिवाइड बाय 48 92 कितना आ गया, इसको डिवाइड करके देख लो
69 को 48 वर्ड में से डिवाइड करना, आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू हो गई आपकी। अब बी की वैल्यू को आप पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, तो पुटिंग बी वैल्यू इन इक्वेशन, एक इक्वेशन में मैं डाल रहा हूं इसको, जो आपकी इक्वेशन बनी हुई है इसको मैं इरेज कर रहा हूं फिलहाल, या इसको कर लेते हैं। वन फोर टू ये आपकी बी की वैल्यू है, बी आपका क्या आ गया 142। पुट इन बी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम डाल रहे हैं 356 12 एक 176 और बी की वैल्यू क्या आई हुई आपकी 1.42। अगर 1.42 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 176 से तो कितना आ रहा है आपका 249.92। तो आपका ये वैल्यू बन रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 12 a इज इक्वल टू 2356 माइनस 9 यार है, क्योंकि आपका ये उस साइड गया तो माइनस भी हो गया इसके, और जो 12 a आपका यहीं पर रह गया। अब आप देखिए 356 में से आपका माइनस इतना गया तो कितना गया 8.84। तो इस तरह से आपको a और b की वैल्यू आपको निकालनी है, जिससे आपका रिग्रेशन ऑन y आ गया। ऐसे ही आपका रिग्रेशन ऑन x, आपका x ऑन y रिग्रेशन आप निकालेंगे, तो इक्वेशन का आप यूज करके a और b की वैल्यू आप निकाल सकते हो, और उसके बाद आप बता सकते हो कि जो असल में जो रिग्रेशन आया है वो क्या है, आपका x का y पर क्या है और y का x पर क्या है। तो इस तरह से आप अपनी रिग्रेशन वैल्यू निकाल सकते हो, और लास्ट में आप क्या करते हो, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो आप वैल्यू को डाल के वहां पर दिखा सकते हो कि रिग्रेशन असल में क्या है। तो इसका अगर रिग्रेशन हम y ऑन x अगर हम रिग्रेशन देखते हैं, तो y ऑन x रिग्रेशन क्या रहा हमारा, y ऑन x रिग्रेशन हमारा क्या रहा, y इज इक्वल टू ए, आपका क्या है 8.84 प्लस बी एक्स, बी आपका क्या है 1.42x, ये आपका रिग्रेशन है। तो इस तरह से आप इनका रिग्रेशन दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इसी तरह से आपका x ऑन y करना है आपको, और आपका रिग्रेशन की जो वैल्यू है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो।